होली के एक दिन पूर्व जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और शहर को संदेश दिया गया कि त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जाए। दुर्ग जिला एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने होली त्यौहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया और विशेष तौर पर गुंडे बदमाशों को हिदायत दी कि वे इस त्यौहार में सिर्फ रंगों या फूलों की होली खेलें। यदि शस्त्रों से होली खेली जाएगी तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही शांति व्यवस्था में लगने वाले बल और पुलिस कर्मियों के शस्त्रों की जांच भी की कि वक्त पड़ने पर पुलिस कर्मियों को दिए गए शस्त्र काम करेंगे या नहीं। साथ ही जिले में स्थित सभी थाना के थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश देते हुए अपने अपने थाना क्षेत्र में विशेष शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी है। आम जनमानस से भी अपील की गई है कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं और अपना ख्याल रखें, साथ ही दूसरों को भी किसी प्रकार की परेशानी न होने दें। सभी त्योहारों के पहले पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे फ्लैग मार्च निकाले जाते हैं और गुंडे बदमाशों को चेतावनी के साथ आम जनमानस से अपील की जाती है कि त्योहार को शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाया जाए। बावजूद इसके वे शरारती तत्व जिन्हें पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं होता, वे अपनी हरकतों से त्योहार को खराब करने का प्रयास जरूर करते हैं। ऐसे में दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने साफ कर दिया है कि ऐसे शरारती तत्वों को त्योहार के बाद भी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हम लोगों ने सारे गुंडे बदमाश आम व्यक्तियों के खिलाफ एक साल से कार्रवाई हुई है, उनकी सूची बना ली है। जो भी व्यक्ति ड्रंकन ड्राइविंग करेगा उसके ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया जाएगा, एविडेंस बेस्ड उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। होली के नेक्स्ट डे जिन लोगों ने भी होली में व्यवधान पैदा किया है, हुड़दंग किया है, मारपीट की है, उन सभी का फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। उनके पूरे शरीर को रंग बिरंगा करके जनता के सामने पेश किया जाएगा जिससे कि उनको हुड़दंग का जवाब मिलेगा। मैं सभी युवकों से भी अपील करूंगा कि वो बाहर ना निकले। 11 बजे के बाद जो भी पिए हुए हालत में तेज गाड़ी चलाते हुए मारपीट करते हुए छुरी चाकू रखते हुए पकड़ा जाएगा तो उनको उसका कानूनी जो उनको जवाब दिया जाएगा, उनको आर्म्स एक्ट की धाराएं, IPC की अनलॉफुल असेंबली की धाराएं और सारे जघन्य अपराध धाराओं में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दुर्ग पुलिस द्वारा मैसेज है कि रंगों की होली हो, गुलालों की होली हो, जो भी व्यक्ति शस्त्र की होली खेलेगा उसको या हो सकता है उसको अगले होली तक शायद वो जेल से निकल भी ना पाए, या तो वो जेल में रह के पुलिस के साथ होली खेले या फिर परिवार के साथ रह के अपने घर में शांतिपूर्वक होली खेले, उसके पास ऑप्शन 65 सेक्टर में बांटा गया है, 1200 का बल बांटा गया है, बाज स्क्वाड है, एरिया डोमिनेशन स्क्वाड है, क्विक रिएक्शन टीम्स है, बीट है, सभी के पास जो है सूची दी गई है, ड्रोन से निगरानी की जाएगी, CCTV से निगरानी की जाएगी, ट्रैफिक पॉइंट लगाए गए हैं, 50 ब्रेथ एनालाइजर दिए गए हैं, उससे चेक किया जाएगा। जो भी शांतिपूर्वक होली का आनंद लेगा वो सभी हमारे लिए वेलकम है, लेकिन जो भी कानून को तोड़ेगा कानून के तहत उसके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। इस होली के त्यौहार में दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक की दी गई चेतावनी गुंडे बदमाशों को शांत रहने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि फिलहाल दुर्ग जिला पुलिस बल फुल ऑन एक्शन के मूड में नजर आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।